लेके चलते हैं हम खिलाने दही के शोले। पंडित जी के मशहूर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और मैडम को लेके जो कि भाई इतनी देर से ना मेरा सर खा रही थी कि ले। अरे लोगों तुम पहली बार तुम ही ले लो यार, तुम्हें पिज्जा का टेस्ट आ रहा है भाई क्या मेरे को नहीं पता था। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ डीसेंट दिनेश व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी गाइस, आई होप के सब अच्छे होंगे। तो अभी अपनी झक्के परफेक्ट और ब्यूटीफुल वाली मॉर्निंग अपनी हो चुकी है और भाई मॉर्निंग होते ही मैडम ने ना इतना अच्छा नाश्ता करा दिया, गर्मा गर्म आलू के पराठे और माई फेवरेट अदरक वाली चाय और पत्ती कड़क वाली। तो भाई मैडम ने तो इतना बढ़िया नाश्ता करा दिया, तो क्यों ना मैडम को भी एक बढ़िया सी ट्रीट कराई जाए। और ट्रीट में क्या है जो कि भाई लास्ट टाइम भी नहीं लेके गया था जब मैं लोटन जी के छोले कुलचे खाने गया था, क्यों ना आज मैडम को ले जाता हूँ साथ में और मैडम को भी खिलाते हैं आज मो दिल्ली के मोस्ट फेमस दही के छोले। मैं श्योर हूँ कि भाई आप लोगों ने भी बहुत से उन्हें नहीं खाए होंगे, तो मैडम ने तो खाए ही नहीं है, तो क्यों ना भाई आज मैं मैडम को दही के छोले खिलाता हूँ। चलिए मेरे साथ आपको भी खिला देता हूँ दही के छोले। चले भाई मैडम। यस। आज आपकी पेट पूजा करा रहे चलते हैं। चलो मैं पेट पूजा में पीछे नहीं रहती, तो बस तो फिर बने रही है साथ में तुम्हारी। हाँ भाई हमारी चटोरी बहू चटोरी छवि। सो गाइज अभी बस अभी पहुंच गए हम एम्स के फ्लाईओवर पे, जो कि भाई यहाँ पे है ना खड़े होके 5 मिनट है ना रुकने का मन करता है कभी हम यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे इतना ग्रीनरी है ना और आर्किटेक्चर देखो कितना बढ़िया बना रखा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, यहाँ के पार्क्स की मेंटेनेंस बहुत अच्छी कर रखी है। ये तो है, क्या बढ़िया यार दिल्ली की शान है। कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगता था, रेड लाइट में 15 मिनट की रेड लाइट होती थी, बट आज के टाइम में इतना बढ़िया यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, तो प्राउड करना चाहिए कि भाई हम देश की राजधानी है, तो भाई हमें प्राउड करना चाहिए भारत की राजधानी में रहते हैं। हाँ ठीक है, तो भारत की राजधानी में रहते हैं, तो भाई पॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा है बट ये कोई बात नहीं यार, ये तो थोड़े टाइम का है ठीक हो जाएगा। मैडम को भाई पेट में दर्द ज्यादा ही हो रहा है, चूहे ज्यादा ही दर्द कर रहे हैं, चूहे ज्यादा ही कूद रहे हैं, कह रहे हैं कि सुबह सुबह लालच देकर और दिन के लंच का टाइम भी क्रॉस कर दिया अभी तक लेके नहीं गए हैं। कोई बात नहीं यार, कहीं अच्छी जगह पहुंचने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है यार, ये आप समझ सकते हो गाइस। नहीं तो इसलिए मैडम को बोल रहा थोड़ा सा वेट करो और अभी थोड़ी देर में बस हम पहुँचने वाले हैं। सुनो मेरे ना दिमाग में कुछ इरशाद कहती हूँ, क्या कहते हैं अर्ज किया है। ओहो अर्ज, क्या अर्ज कर रहे हो यार डराओगे। लास्ट फूड ब्लॉग में डीसेंट दिनेश जी आपको खिलाने ले गए थे लोटन जी के मशहूर कुलचे छोले। ओहो वाह वाह मजा आ गया, क्या है क्या निकाल रहे हो। आज आप लोगों को लेके चलते हैं हम खिलाने दही के छोले, पंडित जी के मशहूर थे। पंडित जी के दही के छोले, तो इसको खाए तो इसी का ही होले। क्या बात तो है, जल्दी लेकर जो चलो खिलाने पंडित जी के मशहूर दही वाले छोले। तो भाई मैडम से तो अब रहा नहीं जाएगा, इतनी बढ़िया आपको पेट से निकली है भाई, डायरेक्ट पेट से निकली है। में क्या बोलते हैं वो तो मुझे बोल दो, क्या जब सुन लेते हैं शायरी। वाह 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 वाह, ले भाई कहलवा के कह रही है कि वाह 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 वाह। तो भाई अभी मैडम के तो पेट से डायरेक्ट निकली है शायरी, तो इसका मतलब भाई पेट में ज्यादा ही चूहे कूद रहे, तो ज्यादा वेट ना कराते हुए आपको और मैडम को भी, तो चलते हैं सीधा पंडित जी के छोले खाने के लिए दही वाले। A few moments later. So guys, अभी finally हम अपनी destination पे पहुंच चुके हैं आपको और मैडम को लेके, जो कि भाई इतनी देर से ना मेरा सर खा रही थी कि लेके चलो पहुंच, अभी तक नहीं पहुंचे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सीधा दही के छोले खाने के लिए पंडित जी के राम शरण शर्मा जी के यहाँ पे। और ये मैं आपको लोकेशन थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये लोकेशन है, कैमरे से भी आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली हम कहाँ खड़े हैं। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे है ये अपना INA मार्केट, जो कि है राइट साइड पे आप चले जाएंगे यहाँ पर NCRTC का इधर ऑफिस है, उपभोक्ता न्याय भवन है जो कि राइट साइड में मेरे, और ये सीधी आपको जो सड़क दिख रही है ये जा रही है सीधा एम्स की तरफ। तो ये एक लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, और इसी के जस्ट अपोजिट में दिल्ली हाट है। तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर दही के छोले खाने जाने हैं, वो भी पंडित जी के, तो आपको कोई भी बता देगा भाई। तो बस अभी हम इनके पंडित जी के यहाँ पहुँचते हैं, दिखाने वाला हूँ जो कि भाई अभी तक किसी ब्लॉगर ने आपको नहीं दिखाया होगा कि कहाँ पे वो बनते हैं और कैसे बनते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, डीसेंट दिनेश व्लॉग्स ये
दिमाग में हर जगह बिठा लो भाई, ये नाम ब्लॉगिंग की दुनिया में आने वाला, ये नाम धीरे धीरे है बट आएगा जरूर आपके मुंह पे। तो अभी हम आपको लेके आ गए हैं यहाँ पर, जो छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक सेटअप है, और यहीं पर ही इतने तरीके के यहाँ पर शोले बनते हुए दिखेंगे ना, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आइए, तो ये भैया है यहाँ पे, जो कि भाई यहाँ पे पंडित जी के जितने शोले होते हैं ना, इन्हीं के हाथों से बनते। भाई आपका नाम क्या है? गब्बर नाम है। क्या बोला तूने? गब्बर। अरे भाई शोले भी यहाँ पे है, गब्बर भी यहाँ पे है, तो भाई ये तो पूरी फिल्म कास्ट यहीं पर ही है फिर तो, है पंडित जी भी यहाँ पर है, तो भाई यही यहाँ पे शोले बनाते हैं। तो अभी हम कौन सा हमें शोले बना के दिखाओगे? दही वाले। तो ये भाई ये दही वाले शोले। सो गाइस अभी भैया ने डाल दिए इसमें दही के शोले। दही के शोले बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? दही वाले, चीज वाले। दही वाले और चीज वाले भाई बन रहे हैं। तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरा सेटअप है, अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये सारा सेटअप है, बहुत ही छोटी सी किचन है अंकल ने भाई अच्छा सेटअप बना रखा है, और यहीं पे सारे शोले तैयार हो रहे हैं, भैया बना रहे हैं अंदर। अंकल से एक चीज पूछना चाहूंगा अंकल, कि ये दही के शोले, ये डिश कहाँ से आपके माइंड में आई है? जी सर, हमारे माइंड में नहीं आई, हमारे बेटे के माइंड में आई। अरे वाह। पहले यहाँ समोसा कचौड़ी बेचा करते थे, हमारी वो बहुत फेमस थे। हाँ। तो बेटे ने को मैं बोलता था चलो समोसा वगैरह बेचे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होता था। हाँ। उसने कही पापा मैं, वो शेफ है। ओके। हाँ, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं था। अच्छा। उसने कही मैं कोई एक नई चीज निकाला है पापा आपके लिए, और फिर आप इसको ट्राई मालना, चलता या शॉप पे नहीं चलता। ओके। उसने घर पे बनाया, उसने मुझे टेस्ट कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो मैंने यहाँ चलाया, लेकिन वो चला नहीं। अच्छा। वो साल परेशान रहा मैं। और कचौरी फेमस थी इसलिए कचौरी के सारे भी एक आध दो पीस निकल जाते थे। लेकिन जब भी जो खाता था वो फिर दोबारा भाग के चार को लेके आता था। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, तो एक माइल्ड स्टोन का काम कर गए ये दही के शोले आपके लिए। यस सर, यस। तो भाई ये थी शो, बहुत छोटी सी और बहुत ही इंस्पायर करने वाली कहानी आप सबके लिए, क्योंकि भाई एक चीज में ही आपको नहीं रहना चाहिए, हमेशा चीजें ट्राई करनी चाहिए, जो कि क्या पता कहीं ना कहीं आपका लक किस चीज में चल जाए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। तो अभी हम ट्राई करेंगे दही के और चीज वाले शोले, और आपको टेस्ट भी बताएंगे। अंकल जी से प्यारी प्यारी बातें तो हो चुकी है, अब टेस्ट आपको बताते हैं कैसा है यहाँ का। सो अंकल हमारे लिए So, अभी हमने दो प्लेट लगवाई है, एक लगवाई है चीज की, चीज के शोले, और एक है दही के शोले। तो दोनों का हम आपको टेस्ट बताएंगे कैसे। इटालियन चीज, हमने इटालियन। ओके, कुछ हटके है तो इटालियन। ये पिज़्ज़ा टेस्ट। ओके, तो भाई मेरे से तो आप कंट्रोल नहीं हो रहा, जल्दी चलो यार, जल्दी खाते हैं। हमारी दोनों प्लेट आ चुकी है, एक में हमारे इटालियन चीज शोले और एक में है दही के शोले, और इसके साथ हमें चटनी मिली है, ग्रीन और रेड चटनी का मिक्सचर दे दिया अंकल ने। तो भाई यही तरीका है यहाँ पे सर्व करने का, और पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ के दही के शोले, जो कि भाई बहुत फेमस है, तो सबसे पहले उसको ट्राई करते हैं। और इसमें मेरे को कुछ दही दिख रही है, और दही के साथ कुछ कैप्सिकम वगैरह और अनियन वगैरह दिख रहा है, और इसमें दही की फीलिंग है बेसिकली, और उसको ये इस तरीके से, ये ब्रेड में एक्चुअली रोल है और उसको फ्राई कर दिया है। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। शेफ दिनेश। तो भाई दोनों चटनी मिक्स कर दिए। अरे लो, तो तुम पहली बाइट तुम ही ले लो यार, तुम्हें भाई शूट मेरा हो रहा था, मैडम ने पहली बाइट लेके खुद ही खा लिया। यम है। तो भाई मैडम की तरफ से तो पास हो गया ये। तो नाउ टाइम टू माय रिव्यू। तो भाई अभी हम ट्राई करते हैं। भाई देखो, टेस्ट का मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, टेस्ट एक नंबर है। इसमें आपको ब्रेड का, दही का मेन, जो दही के शोले जैसे कि नाम है, तो क्रिस्पी ब्रेड है, और बहुत ही अच्छा अंदर फिलिंग की हुई है, बहुत ही अच्छा उसका अलग से टेस्ट आ रहा है। दही के शोले हमारे पास हो चुके हैं, अब ट्राई करते हैं हम इंडिया से, अब हम पहुंचते इटली और इटालियन। देखो भाई,
चीज अलग होने का नाम नहीं ले रही। अरे अलग हो जा भाई, हमारे पेट में जाके तो अलग होगी। यम्मी है तो ये लो भी, पहली पहली बाइट तुम ही लो इसकी भी। लो भाई हमारी तरफ। गुड 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 गुड, सही है, मस्त मस्त है, मस्त है। थोड़ा ठंडा हो गया तो भाई चीज का तो यही है, थोड़ा सा ठंडा हो गया, हमने कटिंग भी तो प्ले करा लिया था यार। तो भाई अभी हम ट्राई, अभी हम रिव्यू देते हैं इसके। तो पिज्जा का टेस्ट आ रहा भाई, फिलिंग दिखा देता हूँ। तो इसमें कुछ अनियन वगैरह तो इसमें भी है, तो इसमें कुछ अलग है, इटालियन वाला टेस्ट है, इटालियन सॉस भी आई थिंक। कोई बात नहीं, गरम गरम और ले लेंगे। तो फिलहाल तो भाई दही के छोले और ये बहुत बढ़िया थे। हमारे बगल में ही भाई खड़े थे तो भाई से भी रिव्यू ले लेते हैं। हम तो बढ़िया बढ़िया बताएं, आपको लगे कि बढ़िया ही बता रहे हैं तो भाई आप भी बता दो। नहीं नहीं, स्पेशली खाने आते हैं, हैं? ऑफिस से छुट्टी करके खाने आए हैं। पहले भी आपका नाम क्या? मेरा नाम दीपक शर्मा, 3-4 साल हो गए हैं आते हुए। हमें जब भी फ्री होता है यहाँ, हम लंच लाते हैं, हम तो इसी को प्रेफरेंस देते हैं। ये बहुत टेस्टी है, हमने सारे टेस्ट करे हैं। पर दही का कुछ ज्यादा फेमस है तो हम दही का खाने ज्यादा उतर आते हैं। दही का छोले आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? दही के फेमस है भाई, हमारे भी दही वाले छोले ही फेमस हो, बढ़िया लगते हैं। मुझे भी इटालियन से ज्यादा वो दही वाला अच्छा लगता। तो हम आपको ऐसी जगह लेके आते हैं जो कि सबसे सबसे बेस्ट बात होती है कि पैसे पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए और खाने में टेस्टी होना चाहिए। खाते हैं इतना बढ़िया टेस्ट देते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत स्वाद है, डेली है। पंडित जी हमारा ये लगा लो कि आईएनए मार्केट है ना, पंडित जी के छोले से भी फेमस है, बहुत अच्छा है, मतलब स्वाद भी सफाई भी बहुत अच्छा है। गाइस अभी सर का तो मन भरा नहीं है और लेकर आ गए एक हरा भरा कबाब। भाई हरा भरा कबाब है पूरा, अंदर हरी हरिया चटनी के साथ हरा भरा कबाब आ चुका है हमारा, तो इसको भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करो फटाफट, ठंडा होने से पहले ट्राई कर लो, मैं भी खा लूंगी। अच्छा आलू के अंदर मटर है, पालक वगैरह कुछ डाला हुआ है, तो पूरा उससे मिक्स करके आलू में मिक्स करके कटलेट टाइप कटलेट और वो फ्राई करके आपको दे दिया है। टेस्ट कैसा है? इसका नाम है हरा भरा कबाब। ओके शेफ दिनेश, ठीक है। इसके लिए मैं एवरेज मार्क दूंगा, बट दही के छोले और उससे कम ही रेटिंग है। तो भाई हमारी तरफ से ऑनेस्ट रिव्यू आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम अच्छा अच्छा बताएंगे, तो कुल मिला के ठीक है। अबे तो भीड़ भरती रहेगी, जैसे जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो भी एक तो अंकल का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा और यहाँ पे भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, ऐसा लगता खाली हो गया, फिर तुरंत आ जाती है यहाँ पे पब्लिक। तो भाई ये बात है यहाँ के शोलों की, तो जो कि आज हमने आपको दिखा दी है। यहाँ पे आवाजें लग रही है, आप कहाँ से आए सर? ये सर पंजाब से आए हैं, ये दिल्ली में रोहिणी से आए हैं। जैसा कि अंकल ने अंकल ने अपने बेटे का जिक्र किया था कि मेरे बेटे की ये रेसिपी है, तो वो है ये भाई। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, भाई इनकी रेसिपी है जो कि अंकल को सजेस्ट किया कि दही के छोले, दही के छोले थे ना। ये दही के छोले से स्टार्ट किया था मैंने, ये मैंने एक कॉम्पिटिशन से स्टार्ट किया था कॉलेज में, उसके आगे मैं धीरे धीरे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई, कुछ नया वैरायटी वैरायटी, तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ाता गया इसको, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो इसी एक्सपेरिमेंट में एक निकल के आया थे दही के छोले, चीज़ के, पनीर के, इटालियन, अफगानी, आगे देखो और कुछ करूँगा। बहुत बहुत हमारी तो भाई शुभकामनाएं भाई, आपके साथ हैं और हमारा सपोर्ट हमारे साथ रहेगा आपके साथ, और कुछ आप नया ट्राई करो ना तो हमें बुला लेना, हम उसके बारे में बता देंगे पब्लिक में। तो थैंक यू दीपक शर्मा जी के लिए भाई, एक लाइक तो बनता ही है, जिन्होंने भाई ये रेसिपी इजाद करी है यार, जो दही के छोले पूरी दिल्ली आज खा रही है ना, वो इन्हीं भाई की बदौलत खा रही है। थैंक यू यार, थैंक यू। भाई अभी हमने तो यहाँ का सारा कवर कर लिया और ये पूरी एक छोटी सी फैमिली हमारे साथ फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के लिए हमारे अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप पूरी फैमिली को। और इसी बात पे भाई, अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नाम है डिसेंट दिनेश ब्लॉग चैनल, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, आपके लिए नई नई लेके आएंगे और आगे भी,
तो आप इसका इनके चैनल को सब्सक्राइब करो ना, ना भूलें प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू अंकल।